चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजुअल हो रहा सारी चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर ए रेशियो बी का मान दिया है आपको 3:2 और यहाँ पे दिया है बी रेशियो सी का मान दिया है 3:4, तो आपको बताना है ए रेशियो सी का मान क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है ए रेशियो सी का मान क्या होगा, तो जल्द से बता दीजिए। तब तक देखते हैं, हमने बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है, बस कुछ नहीं करना, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दीजिए। ए रेशियो बी का मान दिया है 3:2 और बी रेशियो सी का मान दिया है 3:4। एक क्वेश्चन है, आपको पहले निकालना पड़ेगा ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ खाली है इसके पहले वाला, तो ये भर दीजिए और यहाँ भर दीजिए। ये 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। आपको पूछा गया है ए रेशियो सी, ए का मान 9 है और सी का मान 8 है, तो 9:8 हो जाएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छा से कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है आपको, काफी आराम आराम तरीके से। कोई भी दिक्कत हो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फोन कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जैसे आपको सुपीरियर लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चौथा क्वेश्चन है, यदि यदि ए रेशियो बी बराबर, यदि ए रेशियो बी बराबर 5:7 हो तो आपको बताना है 3a+5b अपॉन में 5a-2b का मान आपको बताना है क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को भी देख के उड़ा देंगे आप 2 सेकंड में। ए का मान यहाँ पे 5 रख दीजिए और बी का मान यहाँ पे 7 रख दीजिए, तो जैसे 3a का मान हमें क्या लगा 5 रख दा, प्लस 5 × b का मान कितना रखना है 7 रखना है, अपॉन में यहाँ 5 है इंटू ए का मान यहाँ पे 5 रखना है, -2 × b का मान 7 रखना है। तो यहाँ पे 3 × 5 करेंगे तो 15, प्लस 5 × 7 करेंगे तो 35, 15 और 35 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, अपॉन में 5 × 5 करेंगे तो 25 और 2 × 7 करेंगे तो 14, 25 में से जब 14 जाएगा तो 11 बचेगा, 50/11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी आप देख के एकदम उड़ा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। चार क्वेश्चन आपको समझ में आया, एक बार लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों, और कोई भी दिक्कत है हमने आपको बता ही दिया कि आप इस नंबर पे कर सकते हैं 63-92-71-80-94, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल कुछ भी करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। यदि ठीक है, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:4 तथा बी रेशियो सी बराबर, सारी चीजें फ्री में दी जा रही है आपको, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बी रेशियो सी बराबर 4:7 तो आपको बताना है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए पहले आप ए रेशियो बी रेशियो सी रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप ए के जगह 3 रख दिए, बी के जगह 4 रख दिए, फिर यहाँ पे बी के जगह 7, वो ऐसे ही आएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम दिया है, तो उसमें रेशियो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अगर आपको यही आदत बना रहे तो आप यहाँ पे अगर चेंज कर दे, यहाँ 3:4 है, यहाँ 5:7 कर दे, तो आप तो फंस जाएंगे, आपको वही आदत रहेगा। लेकिन वहाँ पे देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो हमने दिखाया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान लिखते हैं, ए रेशियो बी का मान दिया 3:4, एक बार डाटा चेक कर रहे हैं, और बी रेशियो सी का मान दिया है 4:7। आप इनके ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है, यहाँ 4 फिलअप कर दीजिए, यहाँ भी 4 कर दीजिए, 4 × 3 करेंगे तो 12, 4 × 4 करेंगे तो 16 और 7 × 4 करेंगे तो 28। क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 4 बार में और 4 से ये 7 बार में, 3:4:7। यहाँ पे अगर बी का मान देखें, यहाँ ए रेशियो बी दिया था 3:4 और यहाँ बी रेशियो सी दिया था 4:7,
बी कॉमन था दोनों में और वैल्यू भी सेम थी, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए रेशियो बी रेशियो सी। जब ए रेशियो बी का मान 3:4 था, यहाँ भी बी रेशियो सी का मान 4:7 था, यानी बी का मान यहाँ भी 4 था यहाँ भी 4 था, तो सेम रहेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको 7 रख देंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो का मान यहाँ भी 3:7 और यहाँ भी 3:7। लेकिन मुझको ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी, यहाँ पे अगर डेटा चेंज कर दे तो आप लोग अगर ऐसे जल्दी करेंगे तो आप इसमें भी टाइम वेस्ट करेंगे, तो डायरेक्ट इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे, जल्द से जल्द आंसर आएगा। हमारा ए का मान 3 आ गया, बी का मान 4 और सी का मान 7 हो गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में सी की वैल्यू पूछी गई है। ए का मान दिया है 3 प्लस बी का मान दिया है 4 प्लस सी का मान दिया है 7, अपॉन में 7 करेंगे तो 4 × 3 = 7 = 14, अपॉन में 7 करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से, एकदम अच्छे से समझाया जा रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। इस बार आपको एयरफोर्स की एक सीट प्रत्येक लड़कों को मिलेगी, बारी बारी से आइएगा और सब लेकर जाइएगा, लेकिन सभी लोग जरूर आइएगा इस चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स का जो प्रसाद बट रहा है उसमें सबको भागीदारी बनाइएगा, अकेले मत खाइएगा, क्योंकि प्रसाद को सबको बांट के खिलाया जाता है, अकेले खाएंगे तो फिर आपको पाप लगेगा। सबको खिलाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए, क्योंकि ये ज्ञान का जो मतलब पिंड है वो सब लोग खाएंगे तभी ज्ञान बढ़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों को ये मैसेज पहुंचाइए कि फ्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अपडेटेड क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4, तो आपको बताना है हो तो ए रेशियो बी का मान आपको सॉरी आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, सारी चीजें वही है जैसे हमें सिखाया है, आपको वही चीज करना है तो वही चीज करेंगे जैसे आपको आता है। देखिए ए का 60% का मान, इसका 60% दिया है, इसका मतलब है 60/100 कह रहा है। अब आप रेशियो पढ़ रहे हैं, इसको काटेंगे तो 20 से 3 बार में और 20 से 5 बार में, तो ए का मतलब होता है गुणा, ए का 3/5 बराबर है बी के 3/4 के, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ए बाई 5 बराबर बी बाई 4, 4a बराबर 5b, तो a बाई बी बराबर 5/4। हमने तो ये आपको बेसिक बताया कि आप ऐसे पूरा करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरी तरह से आप निकालेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में जाएंगे अगर आपको बट्टे में मिले तो a का मान जो बट्टे में रहता है वही a का मान हो जाता है। a का मान आप डायरेक्ट यहाँ से 5 रख सकते हैं और b का मान यहाँ से 4 रख सकते हैं, तो a रेशियो b का मान 5:4 रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक बेसिक डेमो था, अब धीरे धीरे पैटर्न को और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे, कल क्लास में और अच्छे से लाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे पूरी तरह मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि प्लीज मेरे भाई शेयर जरूर कीजिएगा, 5 ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लेकिन जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अभी आपको रीजनिंग की क्लास भी लगी तो रीजनिंग में भी आज थोड़ी बेसिक चलेंगे, ताकि कल और स्टूडेंट को उम्मीद करेंगे कि आप और स्टूडेंट को लेकर आएंगे और अच्छे अच्छे पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अभी आपको और क्लासेस मिल रही है, थैंक यू।